Hello students, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal, your social science teacher. And students, we are doing our chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. And today we will discuss warfare for the wealth. Warfare means war, or you can say battle. Or you can say any struggle. अब जो भी न्यू किंग्स बने, उन्होंने अपने नए किंगडम्स एस्टेब्लिश किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्या है वारफेयर किए या फिर बैटल की, जिससे ज़्यादा वो वेल्थ जो है इकट्ठा कर सके. अगर हम देखें तो जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी उनके लिए स्पेसिफिक रीजन्स होते थे जहाँ पर वो रूल करते थे. स्पेसिफिक रीजन्स वेयर दे रूल्ड. मान लो ये कोई स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ पर इसके अंदर कोई एक जो डायनेस्टी है वो रूल कर रही है, लेकिन ये जो किंग्स हैं या रूलर्स हैं वो यहीं तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि जो अदर एरियाज थे, अदर रीजन्स थे, उनके ऊपर भी ये क्या करते थे, अटैक करते थे. दे वांटेड टू कंट्रोल अदर एरियाज ऑल्सो. वाई? जब इनका अपना एक रीजन है जिसके ऊपर ये रूल कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो इन्हीं से बिलोंग करते, फिर भी जो अदर एरियाज या अदर रीजन्स हैं या जो दूसरी डायनेस्टी जहाँ पर जिनका रूल चला वहाँ पर अटैक क्यों करते थे? इसके लिए कुछ रीजन्स रिस्पॉन्सिबल थे. दे वांटेड मोर वेल्थ मोर पावर और कैप्चर रिसोर्सेस. ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से एक जो डायनेस्टी या जो रूलर है वो दूसरे रूलर्स के ऊपर अटैक करता था. क्यों? बिकॉज दे वांटेड मोर वेल्थ. वो और भी ज़्यादा रिच बनना चाहते थे, अपने किंगडम को प्रॉस्पर बनाना चाहते थे. इस वजह से दूसरे जो किंगडम से उनके ऊपर अटैक करते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को बनाना चाहते थे. मान लो किसी दूसरे किंगडम पर अटैक करेंगे तो वहाँ पर जो भी आर्मी है, वहाँ पर जितनी भी और दूसरी चीज़ें हैं वो सभी उन्हीं की हो जाएंगी जीतने के बाद. इसलिए अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी क्या करते थे, दूसरे किंगडम्स पर अटैक करते थे. जो थर्ड रीजन है, अदर किंगडम्स में जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वहाँ रहने वाले जो भी लोग होंगे, जैसे कि वेल्स है, फॉरेस्ट है, वहाँ के टेम्पल्स है, जितने भी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो सभी क्या है इनके बढ़ जाएंगे. तो इसलिए क्या है, अपने किंगडम को प्रॉस्पर बनाने के लिए ये जो दूसरे किंगडम से उनके ऊपर क्या करते थे, अटैक करते थे. अब हम इसके अंदर कि किसने कहाँ पर कैसे अटैक किया, इसके लिए कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स पढ़ेंगे. हमारे पास जो वारफेयर फॉर वेल्थ है इसके लिए 3 एग्जांपल्स हैं. इनमें से जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, और जो सेकंड है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अटैक ऑफ महमूद गजनी, और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी. ये 3 एग्जाम्पल हम किस रिलेटेड पढ़ेंगे, वारफेयर फॉर द वेल्थ. इन तीनों में वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए जो वारफेयर है या स्ट्रगल है या बैटल है या वॉर है वो किया गया था. तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल है वो कौन सा देखेंगे, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. ये जो स्ट्रगल है ट्रिपार्टाइट, ये कन्नौज के लिए हुआ था. कौन सी जगह है ये? कन्नौज. अब ये कन्नौज क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ सिटी. और ये कहाँ पर है? इंडिया के अंदर जो कन्नौज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और एक बहुत ही पुरानी सिटी है. और इस सिटी पर कंट्रोल करने के लिए ही क्या हुआ, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ. अब ये स्ट्रगल तो हुआ, लेकिन इसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? ये जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, और वो पार्टीज कौन कौन सी थी? गुर्जारा, प्रतिहारा, सेकंड पार्टी राष्ट्रकूटास, और थर्ड है पालास.
ये जो थ्री डायनेस्टी है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैप आपको दिखाया था उसमें इन तीनों डायनेस्टीज की जो भी बाउंड्री थी वो मैंने आपको दिखाई थी, वही पार्टीज हैं। उर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टीज या तीनों पार्टीज ट्री पार्टाइड स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी। जो हिस्टोरियंस हैं ऑफनली इस स्ट्रगल को ट्री पार्टाइड स्ट्रगल डिस्क्राइब करते हैं, किस वजह से, बिकॉज थ्री पार्टीज वर इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रगल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्री पार्टाइड स्ट्रगल। और पार्टीज के नेम कौन कौन से हैं, उर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड द पालास डायनेस्टी। इन तीनों में एक काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल चला, किस लिए, कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, कन्नौज पर अपना ये कंट्रोल करना चाहते थे। अब कन्नौज के अंदर कोई बात तो होगी जिसकी वजह से तीनों डायनेस्टीज कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल चाहती हैं, तो वो कौन कौन से रीजन्स थे जो कन्नौज हैं। जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ से इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर है वो उत्तर प्रदेश से फ्लो करके जो है आगे बढ़ती है, तो ये गंगा वैली में सिचुएटेड है ये वाली जो सिटी है कन्नौज। अब ये गंगा वैली में है इस वजह से यहाँ की जो लैंड है कन्नौज की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से की जा सकती है, लैंड बहुत ही क्या है, फर्टाइल है यहाँ पर। ऊपर से जो वाटर रिसोर्सेज वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से अच्छे से परफॉर्म की जा सकती हैं। वाटर रिसोर्सेज यहाँ बहुत ही अच्छे होने की वजह से कंट्रोल करना चाहते थे, और जो कन्नौज सिटी थी वो काफ़ी प्रोस्पर थी, बहुत ज़्यादा प्रोस्पर सिटी थी। और ये जो थ्री पार्टीज़ मैंने आपको बताई ये क्या चाहती थी, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हो, ज़्यादा पावर हो, और इसीलिए कन्नौज को ये कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जो भी कन्नौज को कंट्रोल करेगा वहाँ वो क्या कर सकता है, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, इससे अपनी पावर बढ़ा सकता है, इससे जो है वेल्थ अपना बढ़ा सकता है, और अपने किंगडम को और भी ज़्यादा प्रोस्पर बना सकता है। तो ये कुछ फीचर्स थी कन्नौज की जिसकी वजह से क्या था, ये तीनों पार्टीज़ क्या हैं कन्नौज को कंट्रोल करना चाहती थी, और इसी वजह से ट्री पार्टी स्ट्रगल एक लंबे टाइम तक कन्नौज के लिए इन पार्टीज़ के बीच में चला था। पहले जो भी रूलर्स होते थे, हम इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया है बिटवीन 7th to 12th century हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो उस टाइम पे जो भी रूलर्स होते थे वो अपनी पावर और रिसोर्सेज इनको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, कैसे दिखाते थे। मान लो अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो अब क्या होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है वो क्या करेगा दूसरों को दिखाने के लिए, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है यूज़ करेगा, बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, उसका घर बहुत ही अच्छा होगा देखने में, ऐसे वो क्या है अपना जो भी उसके पास वेल्थ है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। लेकिन पहले हम बात करें 7th to 12th century की, तो उस टाइम पे ना तो ऐसी गाड़ियाँ होती थी ना ही मोबाइल फ़ोन होते थे, तो उस टाइम पे जो रूलर्स हैं वो अपनी पावर और रिसोर्सेज को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, दे डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पावर और रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े आलीशान जो मंदिर है उस टाइम पे रूलर्स बनवाते थे अपनी जो पावर और रिसोर्सेज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और ये जो टेम्पल्स होते थे वो एक्सट्रीमली रिच इट मीन्स जो टेम्पल्स बनते थे उनके अंदर बहुत सारा वेल्थ होता था, बहुत सारा सोना, चांदी, जेवर वगैरह से बहुत सारे चीज़ें इनके अंदर होती थी, मीन्स बहुत ही वेल्थी टेम्पल्स ये हुआ करते थे। इसलिए क्या किया, मान लो कोई भी एक डायनेस्टी है किसी अपने एक स्पेसिफिक रीजन पर वो रूल कर रही है, अगर किसी दूसरे रीजन पर वो अटैक करती है तो इनका मेन टारगेट क्या होता था, वहाँ पर जो टेम्पल्स होते थे मेनली उन पर अटैक करते थे, क्योंकि अगर वहाँ अटैक करते हैं तो उसमें जितना भी वेल्थ है वो ये ले सकते थे और अपने जो अपना वेल्थ उसको बढ़ा सकते थे, अपने किंगडम को और भी ज़्यादा प्रोस्पर बना सकते थे। अब ये टेम्पल्स के ऊपर ऐसे जो अटैक किया गया उसका हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जो डायनेस्टी जैसे मैंने बताई है पांड्याज है, चोलाज है, राष्ट्रकूटा है, ये आपस में ही अटैक करते जा रहे हैं एक दूसरे पर, ऐसा भी नहीं था। कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी इंडिया के अंदर आए, कौन आए, फॉरेन इन्वेडर्स।
इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो पर्सन अटैक करते हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेडर्स। कुछ फॉरेन इन्वेडर्स जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ से भी इंडिया के अंदर आए और यहाँ के जो इंडियन किंगडम से उनके ऊपर जो फॉरनर्स थे उन्होंने अटैक किए। पहले हम एक इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, सुल्तान महमूद गजनी, ये नेम है सुल्तान महमूद गजनी। सुल्तान का मतलब होता है रूलर। अब जो सुल्तान महमूद गजनी ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के अंदर एक सिटी है गजनी, ये यहां से बिलोंग करते थे। इनका नेम क्या बताया मैंने आपको, सुल्तान महमूद गजनी, ये इसका नेम हो गया, जो कि एक फॉरेन इन्वेडर था जिसने इंडियन किंगडम्स पर अटैक किया। और ये कहां का रहने वाला था, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी जो गजनी नाम की जो सिटी है वहां से बिलोंग करता था। गजनी इट इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी ऑल्सो, और इसका नाम भी क्या है, महमूद गजनी। तो आपने इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हम जो सुल्तान महमूद गजनी है इनके रूल की बात करें तो इन्होंने क्या किया, 997 to 1030 ये इनका टाइम पीरियड रहा। इस टाइम पीरियड के दौरान जो सुल्तान महमूद गजनी है उन्होंने रूल किया है। अब रूल इन्होंने किया कहा, कौन कौन सी जगह थी, तो इसके अंदर ईरान, ईरान का पार्ट आता है, एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किसका है, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीन्स यहाँ पर इस एरिया के ऊपर जो सुल्तान महमूद गजनी है उन्होंने रूल किया, कब से कब तक किया है, 997 to 1030 तक इन्होंने क्या है, रूल किया है। अब जो ये सुल्तान महमूद गजनी थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर तकरीबन हर साल यहाँ पर रेड करते थे, यहाँ पर हमला करते थे, और इनका जो मेन टारगेट है कहाँ पर ये अटैक करते थे, जो वेल्दी टेंपल्स होते थे, वेल्दी टेंपल्स, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वेल्दी टेंपल्स होते थे वो इसका मेन टारगेट होता था, क्योंकि जो टेंपल्स थे वो बहुत ही वेल्दी थे, बहुत सारा जो वेल्थ है, धन है इनके अंदर होता था, इसलिए वेल्दी टेंपल्स पर ये अटैक करता था। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो सोमनाथ टेंपल है, क्या नेम बताया, सोमनाथ टेंपल, और ये कहाँ पर है इंडिया में, ये गुजरात के अंदर है। यहाँ पर भी 1024 में जो महमूद गजनी है उन्होंने सोमनाथ टेंपल जो गुजरात के अंदर है यहाँ पर अटैक किया था। और जो ये सुल्तान महमूद गजनी है इन्होंने कोई 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स नहीं बल्कि पूरे 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया था। कितने टाइम, 17 टाइम्स सुल्तान महमूद गजनी ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। ओके, अब जैसे मैंने बताया जो वेल्दी टेंपल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता था। ओके, तो वेल्दी टेंपल्स के अंदर बहुत सारा वेल्थ होता था, उसको क्या करता था, लूट के ले जाता था। जब ऐसे टेंपल्स पर ही अटैक करता था तो उन रीजन्स के अंदर रूल करना इसका कोई एम नहीं होता था, वहाँ जितना भी वेल्थ मिल रहा है उसको प्लंडर करके ही ले जाता था। अब उस वेल्थ का यूज़ कहाँ करता था, टू क्रिएट स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड सिटी एट गजनी। जो भी वेल्थ इसने कलेक्ट किया ऐसे टेंपल्स के ऊपर अटैक करके, उस वेल्थ का यूज़ इसने कहाँ किया, मैंने बताया अफगानिस्तान के अंदर जो गजनी नाम की सिटी वहाँ से बिलोंग करता था, तो वहीं सारा वेल्थ लेके जाता था और अपनी कैपिटल सिटी को स्प्लेंडेड बहुत ही शानदार बनाने में, उसकी डेवलपमेंट करने में इस वेल्थ का ये यूज़ करता था। अब जो ये महमूद गजनी हैं, महमूद गजनी इन्होंने क्या किया, एक पर्सन हुए हैं उनका नेम क्या है, अल बिरूनी।
महमूद गजनी ने अल बिरुनी को इंटरेस्टेड किया, मींस इसको असाइन किया, एक काम दिया इसको करने के लिए। और जो अल बिरुनी है ये एक स्कॉलर थे, ये एजुकेटेड पर्सन थे, ओके, ये लिखने का काम करते थे, इसलिए महमूद गजनी ने अल बिरुनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्या दी उसने, क्या कहा कि जो अल बिरुनी है उन्होंने क्या लिखना है, जो भी महमूद गजनी है उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ रही है, जितनी भी एक्टिविटीज रही हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एंड थर्ड पीपल ही कॉन्कर्ड, पीपल ही कॉन्कर्ड। अब जो महमूद गजनी है इन्होंने अल बिरुनी को क्या काम दिया कि महमूद गजनी ने जो भी एक्टिविटीज़ की है, साथ में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो लिखनी है, और साथ में महमूद गजनी ने जितने भी लोगों के ऊपर जीत हासिल की है इन सब के बारे में जो है अल बिरुनी को लिखने का काम दिया गया। किसने दिया ये काम, महमूद गजनी ने, जो अल बिरुनी है इनको क्या किया, अपॉइंट किया था, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। किस वजह से दी, क्योंकि जो महमूद गजनी है वो एक रिकॉर्ड रखना चाहते थे कि मेरा किंगडम कहाँ तक फैला हुआ है, मैंने कहाँ पर अटैक किया है, मैंने कौन कौन से रूलर्स को हराया है, इस टाइप का जो रिकॉर्ड है वो महमूद गजनी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल बिरुनी को ये लिखने का काम दिया। अब जो अल बिरुनी है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का क्या नेम है, किताब, किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, इट इज़ द नेम ऑफ अ बुक। और ये जो बुक है ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी इन्होंने, कौन सी लैंग्वेज में, अरेबिक, और इसके अंदर जैसा महमूद गजनी ने कहा था वो सारी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर लिखी गई। और ये जो बुक है, हालांकि उस टाइम पे जो महमूद गजनी हैं उन्होंने अपने लिए, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए इस टाइप की जो बुक है वो लिखवाई थी, लेकिन बाद में जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए ये बुक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बनी हिस्ट्री को लिखने के लिए। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, अरेबिक लैंग्वेज में, किसने लिखा, अल बिरुनी ने इसको लिखा था। और बाद में जो अल, ये जो महमूद गजनी है इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, जो ये बुक है इसमें जो भी अकाउंट, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका संस्कृत लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कराया था। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।